नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने लगी है। प्रदेश में हर दिन कोरोना के आंकड़ों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में अभी भी गिरावट नहीं आई है। बहरहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत की बात बने हुए है। उत्तराखंड में धीमी हुई कोरोना की दूसरी लहर। बीते दिन सामने आए कोरोना के 3,658 नए मामले। कोरोना से बीते दिन 80 मरीजों ने गवाई जान। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 3,03,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिन प्रदेश से कोरोना संक्रमण के 3,658 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की चपेट में आने से 80 मरीजों ने अपनी जिंदगी की जंग हार दी। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या ने भी 68,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही बीते दिन 8,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट गए, जो एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,03,940 पहुँच गई, जिनमें से 2,24,535 मरीजों को ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन राजधानी से कोरोना के सबसे ज्यादा 566 मरीज देखने को मिले, तो वहीं हरिद्वार में 548, उधम सिंह नगर में 503, नैनीताल में 414, टिहरी में 315, बागेश्वर में 278, चमोली में 205, पिथौरागढ़ में 189, अल्मोड़ा के 182, पौड़ी में 151, रुद्रप्रयाग में 143, चंपावत में 93 और उत्तरकाशी में 71 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक प्रदेश में 5,405 मरीजों ने कोरोना से अपना दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि राज्य में इस समय 558 कंटेनमेंट जोन है। वहीं संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत की बात बनी हुई है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।